तो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बस को बीच में से काट देते हैं, लेकिन गाइस के GTA 5 वाला डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा कर पाएगा? तो ये आ रही है सामने से बस, और ये क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने पावर्स का यूज, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने बस को पीछे तो ढकेल दिया लेकिन बीच में से काट नहीं पाए, तो ये मिथ होता है बस्टेड। तो गाइस ये तो बस एक मिथ था, आज हम लोग ऐसे बहुत सारे मूवी में इसको बस्ट करेंगे। तो गाइस थॉर की एक मूवी में थॉर जब अपना हैमर फेंकता है तब हेला उस हैमर को पकड़ लेती है, और इसका मतलब हेला बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन गाइस के GTA 5 के हेला भी मूवी जितनी स्ट्रांग है। तो गाइस ये रहा हमारा थॉर और वो रही हेला, तो देखते क्या GTA 5 में भी हेला थॉर के हैमर को पकड़ सकती है या फिर नहीं। और शायद GTA 5 का हेला इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो थॉर के हैमर को पकड़ सकती है, तो ये मिथ होता है बस्टेड। और गाइस और एक मिथ है जिसमें कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब को एक साथ नहीं कर सकते, तो देखो गाइस क्या पता आप लोग कर सकते हो। तो डेडपुल की एक मूवी में जगन्नाथ लिटरली डेडपुल को बीच में से फाड़ देता है। तो गाइस देखते क्या GTA 5 में ऐसा हो सकता है। तो गाइस ये रहा जगन्नाथ और वो रहा डेडपुल, तो देखते गाइस क्या जगन्नाथ डेडपुल को फाड़ पाता है। ओके, तो जगन्नाथ ने डेडपुल को पकड़ लिया है, और शायद गाइस GTA 5 में ऐसा कोई बटन नहीं बना जिससे हम लोग दूसरे एनिमे को फाड़ सकते हैं, तो ये मिथ होता है बस्टेड। लेकिन हाँ, जगन्नाथ डेडपुल को मार सकता है, बहुत बुरा मार सकता है। तो एवेंजर एंडगेम में हमने देखा था कि जब एशियंट वन हल्क को पंच मारती है तो हल्क की बॉडी से ब्रूस वेन की आत्मा बाहर निकल जाती है और हल्क की बॉडी नीचे गिर जाती है। लेकिन गाइस क्या GTA 5 में पॉसिबल है? तो ये रही एशियंट वन, और ये मारा एशियंट वन ने पंच, और ये देखो गाइस सच में हल्क की बॉडी से ब्रूस वेन की आत्मा बाहर आ गई। इसका मतलब गाइस GTA 5 के एशियंट वन में भी उतनी पावर है जितनी उसके पास मूवी में थी। तो गाइस ये मिथ होता है कंफर्म। लेकिन गाइस मुझे अब कोई आईडिया नहीं कि हम लोग ब्रूस वेन की आत्मा को फिर से हल्क की बॉडी में कैसे डालेंगे, क्योंकि यार वो तो मैंने देखा ही नहीं, और आई थिंक गाइस ये बाद में ठीक हो जाएगा। तो तब तक हम लोग नेक्स्ट मिथ देखते हैं। तो शी हल्क में हमने देखा कि जब एबोमिनेशन के और हल्क की फाइट हो रही होती है तो एबोमिनेशन हल्क से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और मुझे नहीं लगता कि एबोमिनेशन से हल्क इतना छोटा होगा। तो ये रहा हल्क और ये रहा एबोमिनेशन, तो देखते क्या सच में हल्क एबोमिनेशन से छोटा है, और देख के तो लग रहा है कि इस हल्क एबोमिनेशन से छोटा है। हाँ गाइस हल्क एबोमिनेशन से छोटा तो है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन गाइस छोटा तो है, तो ये मिथ होता है कंफर्म। तो गाइस स्पाइडरमैन के एक मूवी में हमने देखा था जॉम्बी आयरन मैन, लेकिन गाइस क्या हम लोग GTA 5 के आयरन मैन को जॉम्बी बना सकते हैं? तो भी मैंने एक जॉम्बी को और आयरन मैन को एक केज में बंद करके रखा है, तो देखते गाइस जॉम्बी के काटने के बाद भी आयरन मैन जॉम्बी आयरन मैन बनता है या फिर नहीं। ओके गाइस बहुत टाइम हो चुका है, देखते हैं। और ये देखो गाइस सच में आयरन मैन जॉम्बी बन गया, और ये देखो गाइस कितना खतरनाक लग रहा है जॉम्बी आयरन मैन। तो इसका मतलब गाइस जॉम्बी के काटने के बाद आयरन मैन भी जॉम्बी आयरन मैन बन सकता है, तो ये मिथ होता है कंफर्म। तो सिविल वॉर में हमने देखा था कि स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका की शील्ड छीन लेता है, लेकिन गाइस ये सच में GTA 5 में एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये रहा कैप्टन अमेरिका का, और शायद यार ये स्पाइडरमैन ने कुछ अलग ही मूव का इस्तेमाल किया, और एक सेकंड यार ये चिपक कैसे गया। तो गाइस मुझे तो नहीं लगता कि कैप्टन अमेरिका के शील्ड स्पाइडरमैन छील पाएगा GTA 5 में, तो नहीं, तो ये मिथ होता है बस्टेड। तो गाइस ये कोई मिथ नहीं है, लेकिन आज हम लोग इसे देखने वाले हैं कि सुपरमैन और फ्लैश में से कौन ज्यादा तेज है। तो मूवी में तो नहीं बताया गया कि कौन ज्यादा तेज है, लेकिन गाइस हम लोग GTA 5 में देख सकते हैं कि कौन ज्यादा तेज है। तो ये रहे गाइस सुपरमैन और फ्लैश, और ये रही इनकी स्टार्ट लाइन, और ये इनकी फिनिश लाइन जो कि बहुत ज्यादा दूर है। ओके तो दोनों रेडी हो जाओ, 3 2 1। तो साफ पता चलता है कि सुपरमैन पहले आया था, तो इस मैच का विनर है सुपरमैन। तो एवेंजर्स एंडगेम में कैप्टन मार्वल थानोस के शिप के बीच में से जाकर शिप को फोड़ देती है, लेकिन गाइस के GTA 5 वाली कैप्टन मार्वल से ऐसा कर पाएगी? तो हमारे पास थानोस का शिप तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये ब्लिम्प है, तो देखते हैं कैप्टन मार्वल से क्रॉस कर पाएंगी, और शायद नहीं। तो कैप्टन मार्वल ने यार ब्लिम्प को दूर तो ढकेल दिया लेकिन बीच में काट नहीं पाई, तो ये मिथ होता है बस्टेड। तो एंटमैन की हर मूवी में एंटमैन जब चाहे तब अपना रूप छोटा या फिर बहुत बड़ा कर सकता है, लेकिन गाइस क्या वो GTA 5 में वैसा कर सकता है? तो ये रहा हमारा एंटमैन, और ये एंटमैन बन गया छोटा। और हाँ वैसे गाइस एंटमैन तो छोटा होगा ही, लेकिन गाइस हम लोग और एक मिथ देखेंगे कि जब एंटमैन छोटा होता है तब उसकी पावर्स भी कम होती है या फिर उसकी पावर्स उतनी रहती है जितनी बड़े पर थी। तो इन पर हमारी पावर ट्राई करके देखते हैं, और ये ले। और शायद गाइस एंटमैन की पावर कम नहीं हुई, क्योंकि यार एंटमैन के एक पंच में ही वो आदमी नीचे गिर गया। तो गाइस देखते हैं कि एंटमैन फिर से बड़ा बन सकता है, बड़ा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। ओके तो बन जा एंटमैन, और वो गाइस एंटमैन बड़ा बन गया। और गाइस मुझे नहीं लगा था कि एंटमैन सच में इतना बड़ा बन सकता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। यार कितना बड़ा बन गया, ये कार से भी ज्यादा बड़ा बन गया है।
ओके एक सेकंड, थोड़ा दूर से देखा था वो गाइस आपको, और ये देखो गाइस सच में एंटमैन कितना बड़ा बन गया है, एक कार से भी कितना ज्यादा बड़ा। तो गाइस ये मिथ होता है कंफर्म। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो जस्टिस लीग में हमने देखा था कि ये चारों मिलके सुपरमैन को रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन गाइस सुपरमैन चारों से भी नहीं रुकता, और इसका मतलब सच में गाइस सुपरमैन इन चारों से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन गाइस क्या बस मूवी में ही है, या फिर यार GT5 वाला सुपरमैन भी इतना ही ज्यादा पावरफुल है? तो ये रहा सुपरमैन और ये रहे चार लोग। ओके तो ओके गाइस, तो अभी इन चार लोगों ने सुपरमैन को मारना शुरू कर दिया है, चारों मतलब तीन लोगों ने। फ्लैश तो यार दूर ही खड़ा है, लेकिन गाइस मुझे सच में नहीं लगता कि सुपरमैन को इनके पंचेस का कोई भी फर्क पड़ रहा है। और हाँ गाइस, देख के तो लग रहा है सुपरमैन इतना ही पावरफुल है जितना मूवी में था। ओके गाइस, पता नहीं है कब सुपरमैन को हराएंगे, और मुझे तो नहीं लगता कि सुपरमैन को हरा सकते हैं। तो गाइस अब बारी है सुपरमैन की। ओके एक्वामैन ये ले, ओ भाई क्या ही लात मारी, और ये ले बैटमैन। ओके और ये दोनों यार भाग ही गए, लेकिन कोई नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं बचेगा क्योंकि इन्हें सुपरमैन को मारने की हिम्मत की है, और ये वंडर वुमन भी गई। ओके फ्लैश कितना भागेगा, मत भाग इतना, क्योंकि तो हाथ में तो सुपरमैन की आने वाला है। तो गाइस मैं आपको कुछ सुपरमैन के खतरनाक से पंचेस दिखाता हूँ। ओके फ्लैश थोड़े से पंचेस खाने के लिए रेडी हो जा, और ये ले। तो गाइस ये मिथ होता है कंफर्म कि सुपरमैन इन चारों से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस ब्लैक एडम की मूवी में आपने ये सीन तो देखा ही होगा, जिसमें कि यार ब्लैक एडम और सुपरमैन आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन गाइस मूवी में हमें बताया नहीं गया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, ब्लैक एडम या फिर सुपरमैन। लेकिन गाइस यही हम लोग आज GT5 में देखेंगे। तो गाइस आप लोग फाइट को एंजॉय करो।